और आगरा से खबर है जहां पर राजस्थान मध्य प्रदेश में बारिश के चलते कोटा बैराज से भारी मात्रा में छोड़ा गया पानी खतरे के निशान यानी 130 को पार करके 5.5 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। और पिनाहट चंबल नदी घाट पर जलस्तर बढ़कर 135.50 मीटर तक जा पहुंचा। भयंकर बाढ़ के आसार इस वक्त बन चुके हैं और ग्रामीणों के जीवन पर लगातार संकट मंडरा रहा है। कोटा बैराज से टोटल 21,13,000 क्यूसेक चंबल नदी में पानी छोड़ दिए जाने के बाद नदी और तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दर्जन भर से अधिक गांव में बना हुआ है बाढ़ का खतरा और मुख्य मार्गों पर पानी भरने से संपर्क टूट चुका है। इसकी वजह से दर्जनों से भी ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनका जो संपर्क है वो टूट गया है और अब वो गांव टापू बन गए हैं। ग्रामीणों के आवागमन के लिए चल रहे स्टीमर, लेकिन बावजूद इसके उनकी जान पर अभी भी खतरा है। फतेहपुर तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है जहां पर एक पिकअप अना मवेशी से टकरा कर पलट गई। पिकअप चालक गंभीर रूप से इस बीच घायल हो गया है जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। हदगाम थाना क्षेत्र के आइंदा गांव मोड़ के पास का यह मामला है जहां पर तेज रफ्तार पिकअप अन्ना मवेशी से टकराकर पलट गया, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो वाहन है पलट के गिरा हुआ है और इस बीच जो पिकअप चालक है उसको गंभीर चोट आई है जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। खबर अब हरदोई से है जहां लोनार कोतवाली क्षेत्र के 52 कस्बे में एक वृद्ध महिला को स्थानीय लोगों ने बच्चा चोरी करने के शक में पकड़कर जमकर पीटा है। बता दें आपको कि शक के बिना पर इस महिला के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी हैरान कर देने वाली और दुखदायी तस्वीरें हैं जहां पर एक वृद्ध महिला के साथ मारपीट की जा रही है। और आपको बता दें सिर्फ एक शक के बिना पर यानी बच्चा चोरी के शक के चलते इस महिला को पकड़ लिया गया और जमकर मारा पीटा गया। इसके बाद यह हंगामा मच गया। मामले पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को वहां से छुड़ाया और अपने साथ थाने लेकर आई। पुलिस महिला से अब पूछताछ कर रही है और पुलिस के मुताबिक यह महिला अपनी बहू के साथ मायके में रहकर भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। पूरे मामले में विधिवत कार्रवाई किए जाने का आश्वासन भी दिया गया है और इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह का कहना है कि पूछताछ के दौरान पता चला है कि जनपद सीतापुर के मिश्रिक थाना क्षेत्र के 8 गांव निवासी जनता पत्नी बालक राम, जो कि अपनी बहू नंदिनी के मायके में भीख थोक मांगकर रह रही थी, 8 दिन पहले ही वो यहां पर पहुंची थी और यहां रहकर वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी। महिला कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त भी बताई गई और एएसपी ने बताया है कि भीख मांगने के दौरान इस महिला ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद हंगामा हुआ और एएसपी ने कहा कि इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जा रही है। ये कस्बा 52 में आज एक 65 वर्षीय महिला जिसका नाम जनता है, ये 8 ग्राम 8 थाना मिश्रिक सीतापुर की रहने वाली है। ये कस्बा 52 में एक व्यक्ति के घर पे गई थी भीख मांगने, ये घूम के भीख मांगती है। वहाँ पे उनके 3 वर्षीय बेटे का उसने हाथ पकड़ लिया तो लोगों ने ये समझा कि बच्चा चोर है और लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस मौके पे गई है, उसको ले आई है, पूछताछ की जा रही है। ये पता चला है कि ये अपने बहू के मायके कस्बा 52 में आई थी 1 हफ्ते पहले और यहीं भीख मांग रही थी। इससे और पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी होगा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसने गेट खोलकर अंदर गई, अंदर जब घुस गई तो अम्मी बोली तो अंदर कैसे घुसी, इसने मेरा लड़का पकड़ा, उसका हाथ पकड़ के ले जा रही। अम्मा बोली कि इसका ये लड़का क्यों पकड़े ले जा रहे, बोली तुम हम पूरा गेट खोलो, तुम आधा गेट क्यों बंद करे हो। तब हमने इसको भगाया, यहाँ मोहल्ले में सब लोग उसको भीख दिए, कोई उसको नहीं भगा। और आपको बता दें कि सरकारें मुफ्त सरकारी राशन देने के लिए तमाम योजनाएं और सुविधाओं का दम भरती नजर आ रही है, वो भी महज मुफ्त मिल रही रेवड़ी की तरह साबित हो रही है। विपक्ष मुफ्त राशन योजना को चुनावी दांव बताकर टिप्पणियां करता नजर आता है और वहीं कानपुर देहात में 1200 आबादी के ग्रामीण इस मुफ्त सरकारी राशन को लेने के लिए उफानाती नदियों को पार करके अपनी जान जोखिम में डालकर राशन लेने पहुंच रहे हैं।
तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि पेट की आग को बुझाने के लिए लोग मौत का दरिया पार करने से भी पीछे नहीं हट रहे। आपको बताते चलें कि यहां जरा सी चूक और जिंदगी और मौत की आगोश में जिंदगी खो जाएगी। कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील का ये भरतौला गांव है, जहां पर अधिकारियों और जिम्मेदारों की नजर से ये मानो ओझल हो चुका हो, इसीलिए शायद बेबस गांव वालों की बेबसी अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रही। सैकड़ों की तादाद में हाथों में झोला और सरकारी राशन का कार्ड लेकर, प्लास्टिक का टब लेकर ये लोग नदी की बीचों बीच धारा पर तैरकर सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं कि उन्हें नदी के उस पार मुट्ठी भर सरकारी अनाज मिलेगा, जिससे कि ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर नदी के सरिये, यहाँ पर ये तैर कर और हाथ में टब और जो भी इनके पास सामान है, प्लास्टिक है, थैले हैं, वो लेकर राशन के लिए जा रहे हैं। देखिए, ये प्रकरण अभी अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है और मैंने DSO साहब से बात भी करी है। जो नियम है वो ये है कि 4000 जो राशन कार्ड धारक होते हैं उन पे एक दुकान होती है, परंतु यदि इस तरीके की कोई नेचुरल बाउंड्री वगैरह हो जाती है तो हम लोग एक अलग दुकान का भी प्रस्ताव ग्राम समाज के प्रस्ताव पर तहसील स्तरीय समिति द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो प्रकरण भरतौली का सामने आया है, इसका नियमानुसार परीक्षण करके आगे की कार्रवाई करी जाएगी। क्योंकि इनका कहना है कि लमसम 30 वर्षों से ये इसी तरीके से सरकारी राशन लेने जाते हैं नदी तैर कर, ना तो वहाँ पर कोई स्थाई या अस्थाई पुल है और ना ही कोई राशन की दुकान। नहीं, ये जो मामला आपने बताया है इसका मैंने संज्ञान लिया है और आगे कार्रवाई करेगी, और पुल की अगर आवश्यकता वहाँ पे होती है, अगर कोई और वैकल्पिक मार्ग नहीं होता है तो भी हम लोग उसका भी प्रस्ताव भेजेंगे। और जो राशन की दुकान का है उसको कब से ला रही हूँ राशन? जब से हमें याद भाई, हमारे 30 साल शादी की हुई, जब से हम बराबर जाते हैं। आप लोगों को डर नहीं लगता आप इतनी जान जोखिम में डालकर? क्या करें, डर तो बहुत लगता है। अगर नहीं जाते हैं तो राशन गायब हो जाता है, अगर 4 दिनों के अंदर वहाँ नहीं पहुँचे तो फिर मिलता नहीं है, तो मजबूरियन जाना पड़ता है, क्या करें। इसके लिए कभी आपने बात की अधिकारियों से, कहा कि जो हमारे गांव पे ही राशन बंटवाए? आते हैं तो हमारी क्या सुनते हैं वो, यहाँ वहाँ घूम के चले जाते हैं, हमारी कौन सुनता है। आज आप लोग कहीं से आ गए हैं तो इतनी बात कहने को मिल गई है।